की जो ये मैं सारी समस्या का समाधान ये है, जो थर्ड जेंडर ये बैठे हुए हैं नेता बन के धरती पिता बन के बैठे हैं, ये हट जाए किसान और सरकार। अरे आपको नई उपाधि दे दी है धरती पिता की, आपको नई उपाधि अरोड़ा जी समाज क्यों नहीं करते, नई उपाधि आपके लिए धरती पिता ने बोला क्यों समाज नहीं करते। मिश्रा जी ने कहा आप लोग इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, आप लोगों ने एक डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं की वहाँ पर। मिश्रा जी ने बस एक छोटा सवाल तो ये बताओ हमारे बस की प्राइवेट कैसे पलट रहे हैं। सवाल पूछ रही हूँ कि आठ दौर की वार्ता से सहमति नहीं बनने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। यहाँ पर धरना स्थल पर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। नहीं अभी अभी हमारे ये देखिए ना कि कानून मानो निरस्त भी होता है तो उसे हमें अभी कोई फायदा तो है नहीं ना था वो नहीं एमएसपी की बात आपकी राजीव जी एमएसपी। लेकिन मिश्रा जी अब नई चीज कह रहे कानून निरस्त होने से भी हमें फायदा नहीं। देखिए कानून बनने से भी इनको कोई फायदा नहीं दिख रहा था, कानून निरस्त होने से भी नहीं। अरे जब यही समाधान था, सारे किसान नेताओं को बुद्धिजीवियों को पता था, तो शांति के साथ आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए होते। 40 दिन से इतना सारा चीज करने का आप भी कष्ट ले रहे हो, 45 दिन 40-50 लोगों की निरीह किसान भाइयों की जान चली गई, फैसला कुछ भी आया क्या उन किसान भाइयों की जान आप वापस लाएंगे? सारी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट मामला कोर्ट में है ना राजीव जी, मामला कोर्ट में तो जो नुमाइंदे कहेंगे इनकी शर्मी देखिए, यानी हमारे जो 70 भाई मरे उनके लिए जिम्मेदार हम, इसका मतलब देश की सरहद पे जो सैनिक मर रहा है कौन जिम्मेदार? नहीं मैं बताता हूँ, फुट मसाजर आपने रखे हैं, गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था आपने की है, एक डॉक्टर की उसके लिए वो किसान जिम्मेदार, एक डॉक्टर की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? निर्लज्जता और लापरवाही तो आप नेताओं की है। राजीव जी देखो हम जिम्मेदार है, एक मिनट रुक जाइए, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। गुरु प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार। ये सरकार है पहले से दिखाई दे रही है, बच्चे बूढ़े बैठे हैं, एक तो हमारे धर्म गुरु चले गए मर गए ना इसी में, और कम से 80 से 90 हमारे किसान भैया मर गए, हमने अपने बाप खो दिए, भाई खो दिए। मिश्रा जी ने कहा आप लोग इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, आप लोगों ने एक डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं की वहाँ पर? इतने लोग हैं यहाँ, अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो कोई डॉक्टर की होते जब सरकार हम घुसने नहीं दे रहे हो, जब हमारे किसी को जाने नहीं दे रहे हो भाई। मिश्रा जी तो आप ही बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। एक सेकंड रुकिए बोला नहीं ऐसा है, तब आपने मौन पकड़ लिया। एक मिनट रुकिए, मिश्रा जी ये पूरा बोलने दो, मैं जब बोलूंगा। नहीं आप बोलिए मिश्रा जी ने बस एक छोटा सवाल तो ये बताओ, मिश्रा जी ने बस एक छोटा सवाल तो ये बताओ, ये बासी रोटी में खुदा का क्या साझा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा, हम देख रहा है, ये चिल्ला क्यों रहे? ये मेरे मेहमान है आप भी मेरे भाई हो, तभी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ इस रात में। मैं चाहता हूँ कि आपको नुकसान ना हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही चीजें पहुँचे, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप हमारे अभी तो साथ बैठ कर रखते हैं। आप चाहते ऐसे अगर आप बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी ना, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए जो 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 उन्होंने एक बात छोटी सी पूछी और ये बात बड़ी वाजिब है, जहाँ बड़े बड़े धरने लग रहे हैं वहाँ किसी की भी तबियत बिगड़े, बुजुर्ग लोग हैं आपके साथ भी हैं बुजुर्ग लोग, तो उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार भेजेगी, डॉक्टर तो सरकार ने बुलाए, हम लाए आएगा तो सरकारी अस्पताल है हमारे बस की प्राइवेट। कैसे पलट रहे हैं? सरकारी अस्पताल है हमारे बस की प्राइवेट। कैसे पलट रहे हैं? सरकार इनको सुविधाएं दे रही है, सरकार बोल रही है कि 2 साल में आपकी अच्छी खेती, वो मानने के लिए नहीं है। सरकार नागरिक है, खैरात में नहीं दे रही है, खैरात में कोई नहीं दे रही है, सरकार और जनता का जो रिलेशन है वो उसी के सुनिए अच्छा आप सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन यदि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से निपटना है तो इससे सरकार की किरकिरी होगी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 15 तारीख या उससे पहले आपके पास अवसर है, हमारी दोनों समस्याओं को गंभीरता से सुन के उसके निपटारा कीजिए, ताकि किसान आपकी जय जयकार करता हुआ घर जाए।
बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट की अपनी भूमिका है, लेकिन सरकार की अपनी, हम सरकार हमने बनाई, हमारा हक है। सरकार कहती है कि एक एक पॉइंट पर बात कर लो। मंत्री का सर झुकाना नहीं चाहते, ना नीचा करना चाहते हैं हम उनकी जय जय। हम ऐसा, हम ऐसा, ये बड़ी बड़ी बात कह रहे राजीव जी। देखिए जय जयकार करके, देखिए मैं दो चीजें, ये किसानों की महानता है, सरकार भी किसानों ने ही बनाई है। 70% लोग तो किसान ही है देश में, हम भी किसान है, आप भी किसान है। सरकार को चिंता केवल आंदोलन हटाने की नहीं है, ये गलत चीज है। सरकार को चिंता है 25% अनाज जो बिना रख रखाव के सड़ जाता है, सरकार को वो भी देखना है। आप लोगों की इनकम भी 2-4-5 सालों में आगे बढ़ानी है। बिहार में, यूपी में 28 स्टेट्स में जो हाशिए पे किसान है। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानती नहीं, इनको मैं आईना दिखाता हूँ। साहबानों केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो आपने कितनी बात मानी थी? पहले आप खुद देखिए कि आप क्या है। जो ये मैं सारी समस्या का समाधान ये है, जो थर्ड जेंडर ये बैठे हुए हैं नेता बनके, धरती पिता बनके बैठे हैं, ये हट जाए किसान और सरकार। भाई आपको नई उपाधि दे दी है धरती पिता की, आपको नई उपाधि दी है। अजय अरोड़ा जी समाज क्यों नहीं करते? नई उपाधि आपके लिए धरती पिता ने बोला क्यों समाज नहीं करते? जो ये मैं सारी समस्या का समाधान ये है, जो थर्ड जेंडर ये बैठे हुए हैं नेता बनके, धरती पिता बनके बैठे हैं, ये हट जाए किसान और सरकार। भाई आपको नई उपाधि दे दी है धरती पिता की, आपको नई उपाधि दी है। अजय अरोड़ा जी समाज क्यों नहीं करते? नई उपाधि आपके लिए धरती पिता ने बोला क्यों समाज नहीं करते? सुनिए अजय जी अजय जी करना चाहिए था। अजय जी आपको नई उपाधि समझ आई? 15 जनवरी से पहले कर ले, इधर आइए। 15 जनवरी से पहले कर ले, समाज करे ना। नई उपाधि दी है आपको अजय जी धरती पिता की, क्योंकि आप सुन नहीं रहे। आप सिर्फ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो उसी पर रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान, उन्होंने कहा आपने कितनी मानी थी शाहबानों केस में, उन्होंने अभी आपसे पूछा, बताइए जरा आप जो आरोप लगा रहे हैं अभी सीधा बता दीजिए।